याददाश्त कमजोर है कि ये चीज़ा बाहर की में आई, मैंने हफ्ते 10 दिन बाद नोटिस आंदी है। तो जे SIT को इन्नी नाराजगी सी तो पहले ही दर्ज कर देंगे। पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के चेयरमैन है सतीश चंद्रा जी, उन्होंने हिदायत से सवाल खड़े होंगे। बट द फैक्ट इज कि ये सारा कुछ उन्होंने रिपोर्ट से, मेरी रिपोर्ट से नहीं। ये पूनम राजन किस तरीके उस कंप्लेंट के एंटर हो गए? पर इफ आशीष कपूर इज अक्यूज, समरपाल इज ऑलसो अक्यूज। वह 161 का बयान बिफोर द DSP, 164 का बयान बिफोर द मैजिस्ट्रेट। कोई बंदा रेस ला रहा है स्टेडियम के भजदा भजदा स्टेडियम चो बाहर ही भज गया, और इन्होंने आ काम किया। बेसिकली पिक एंड चूज होया। मैं उन्होंने नाम लै ही दिना सर, जेडे वो सी रीना दुआ। या फिर वो इनोसेंट है, फिर आशीष कपूर भी इनोसेंट है? नहीं सर, मैं इतने टोकागा थोड़ा जहा, नहीं बिल्कुल ही वक्रा। यू आर नॉट द कोर्ट जी, यू कैनॉट डिसाइड कि या तो तुम इनू एक्यूज मानो सारे जी कंप्लेनेंट कह रही है, बार बार कह रही है। मैं तो यह लग रहा है भी एक DSP नू बचाने लिए सारे ते चिक्कड़ उछाले जा रहे हैं। हुण समरपाल नाल किहदा प्यार इन्ना जग गया है कि वह समरपाल नू बचाने की कोशिश कर रहे हैं? कितों आई है वीडियो, की है, किने बनाया? पूनम राजन कहती है समरपाल ने बनाया। हुण सब तो वड्डा सवाल है भी जे वह सिलेक्टेड पत्रकारों नू क्यों दिखाई गई है? एक लाइन की ऑब्जरवेशन है पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी की। SIT के वक्रे वक्रे स्टेज रहे ने, पैर नंबर 3 जी, उसकी तफ्तीश के दौरान उन्होंने उस जोड़ लिया। पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट को पढ़ लेना, उससे सारा कुछ लिखा। सतीश चंद्र साहब एज ACS होम इस इशू बारे डिस्कस कर चुके ने, फैसला कर चुके ने, डायरेक्शन दिते ने। हुण मैं एक बड़े सेंसिटिव इशू ते थानू क्वेश्चन पूछन जा रहा, पर लालच इन्ना है क्योंकि इस पैसा बहुत ज़्यादा है। डिटेल्स तो साढ़े रिपोर्टा च है। पंजाब दे विच तकरीबन 30 to 40 हज़ार करोड़ का धंधा है कल्ला ड्रग्स का, जिहड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मान रही है कि इन्ने जजेज आए, इन्ने जजेज चले गए, उन्होंने उपर सवाल उठ रहे जजा के उपर भी उन्होंने की मजबूरी है, वो क्यों नहीं खोल रहे फाइल? एक बहुत वड्डा षड्यंत्र रचा गया है सरदार चट्टोपाध्याय बदनाम करन दा, SIT के मैंबरों बदनाम करन दा, और सिर्फ समरपाल बचान दा। सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है नैशनल बस से। पिछले कुछ दिनों दे विच एक पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी ने नोटिस कढ़िया सरदार चट्टोपाध्याय XDGP जिहड़े SIT के मैंबरस ने, उन्होंने तो उन्होंने ये कहा गया है कि थोड़े अगेंस्ट असी एक्शन क्यों ना लईए, एक डिपार्टमेंटल इनकुआरी क्यों ना स्टार्ट की जाए। और मसला है AIG आशीष कपूर दी दे उपर एक SIT बनी सी, उन्होंने उपर पूनम ने एक एलीगेशन लाई सी कि जी इन्हों ने मेरे नाल कस्टोडियल रेप किया है ते मेरी एक्सटॉर्शन की है। तो वह सारे मसले पर गलबात करांगे अज सरदार चट्टोपाध्याय जी नाल कि वो असल च मसला है कि। सर, मीडिया दे विच बहुत गल्लां चल रही हैं कि थानू एक नोटिस आया है, नोटिस दे विच ये कहा गया भी थोड़े खिलाफ़ डिपार्टमेंटल इनकुआरी क्यों ना करती जाए, और क्यों तुसी जड़ी फाइल है वो क्या भी तुसी देखी नहीं। सर, सच्चाई की है वो साढ़े दर्शकों नू दसो। सब तो पहला सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सारे नू जी, बहुत बहुत धन्यवाद मौका देने वास्ते। मैं देख रहा काफ़ी देर तो तरह तरह दी गल्लां चल रही हैं जी। आम तौर पर ये ऑफिशियल चीज़ा कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए हैं, पर अजीब गल है कि जड़ी कॉन्फिडेंशियल गल्लां है मेरे तक आने तो पहला मीडिया च दी पूरी छानबीन हो जाती है, सही है गलत वो वक्री चीज़ है जी। नोटिस नहीं है, मैनू एक होम डिपार्टमेंट तो चिट्ठी आई है कि तुसी अपना ये बारे स्पष्टीकरण करो, कोई ऑब्जरवेशन ने जेडे कि एक लाइन की ऑब्जरवेशन है पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी की, वो बारे तुसी अपना स्पष्टीकरण करो। कोई ऐदा नहीं है कोई कि नोटिस की कार्रवाई की जाएगी। फैक्ट यह है कि जदों मैं DGP सी उदों एक फाइल, कई फाइल आती हैं, एक फाइल सी जिहड़ा SIT की रिपोर्ट सी अबाउट आशीष कपूर, AIG आशीष कपूर, उन्होंने खिलाफ़ एलीगेशन सी। तो वो
29 तरीक नूं करीब आई थिंक 29 नवंबर नूं मैनूं मिलिया, पर इहदे बारे 22 या 23 तरीक तो ही तरह तरह के मीडिया चे गल्लां टिप्पणियां कि मैनूं इंडैक्ट किया गया। इंडैक्ट इज़ अ वेरी स्ट्रोंग वर्ड। तो जिवें कि पहले ही फैसला हो गया तो मेरे खिलाफ़ कार्रवाई भी शुरू हो गई, तो मेरे खिलाफ आई बीन अक्यूज्ड। ये बड़ी सीरीयस गल्लां हुई है बगैर पुछे बगैर वेखे कि असलियत की है। अजीब गल है नंबर वन कि ये चीज़ा बाहर किवें आई। मैनू हफ्ते 10 दिन बाद नोटिस आती है, मीडिया नू पहले चली जाती है, बड़ा अजीब जहा लगता है। असलियत की है ये किसी नू पता नहीं है, फैक्ट्स की ने किसी नू पता नहीं है। मैनू किसी मीडिया वाले ने पूछा नहीं, ना प्रिंट वाले ने, ना किसी जो सोशल मीडिया वाले ने, यूट्यूब वाले ने। तरह तरह के गल्लां कीतियां जिवें वो आप जज बैठे हुए ने। एनीवे पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी के जो चेयरमैन साहब ने सतीश चंद्रा साहब ने, रिटायर्ड IAS ने जी, मेरे बड़े अजीज़ ने, वेरी फाइन ऑफिसर, असी कम इकट्ठा कम किया काफ़ी देर। तो इट्स रूटीन, कोई कोई गल होंदी है स्पष्टीकरण या कोई टिप्पणी या आम तौर पर पूछा जाता दिता जाता, इस कोई बड़ी गल नहीं है जी। पर जदों ये तो तोड़ मोड़ के मीडिया से, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया से वक्रे वक्रे कारण दसिया जा रहा है, टैग किया जा रहा, तो प्लस कल जिमें एक प्रिंट मीडिया से आया कि मेरी याददाश्त कमज़ोर है, तो मैं लग्या हूँ परसनल अटैक हो रहा। ये सरकार वालों कुछ नहीं है जी, सरकार दे वालों कोई नहीं। सरकार ने अपना काम बड़ा तरीके नाल किया, मैं अपना जवाब सरकार नूं दे दिता, विच इज़ रूटीन एंड दैट आई वुड लाइक टू कीप कॉन्फिडेंशियल। पर क्योंकि इदा मीडिया से गल आ रही है, आई थिंक इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट आई जस्ट मेक माई पोजिशन क्लीयर जी। तो सतीश चंद्र साहब बहुत वधिया अफसर ने, मेरे कलीग रहे ने, वी वर्क टूगैदर, पर शायद उन्होंने किसी ने कितने मिसगाइड किया है जिस करके इदा दी चीज़ा बाहर आ रही हैं। सो द फैक्ट्स आर लाइक दैट जी। सर सतीश चंद्र जी जिथे तक मैनू नॉलेज है, ही वॉज अडिशनल चीफ सैकटरी होम, ACS होम लगे रहे ने, और ये जो SIT बनी है उस वेले दिनकर गुप्ता जी DGP सी, और वो सारी SIT दिनकर गुप्ता जी की देखरेख के थले बनी। हुण सवाल ये उठता है कि जे पूनम जी नूं कोई दिक्कत सी इस SIT तो उन्होंने क्यों ऑब्जैक्शन रेज नहीं किए सतीश चंद्रा जी को या दिनकर गुप्ता जी को? ते जे SIT को इन्नी नाराजगी सी तो पहले ही दर्ज कर देंदे। दूसरा मेरा सर सवाल यह है कि AIG आशीष कपूर ते पूनम दी जड़ी गलबात हुई है या जो मैं बयाना दी मैनू नॉलेज आई है, पूनम लगातार समरपाल नू भी पार्टी बनाया भी जदों भी AIG आशीष कपूर ने उदी मारकुट कीती है या उन्हूं कोई थ्रेट दिता है ते वो समरपाल नाल सी। एक होर उन्हें एलीगेशन लाया होया है कि समरपाल वीडियो बना रहा सी, जड़ा वीडियो एंड ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहा सी, तो आड़ा इदे बारे की कहना? मैं कहना यह चाहवागा इस टू बिगिन विद जो मेरे मैनू पूछा गया कि जो ऑब्जरवेशन पूछा तो नहीं गया, एक ऑब्जरवेशन दिती गई है रिपोर्ट से PCA दे कि मैकेनिकल तरीके नाल बड़े एको ही दिन से सारा जवाब दिता है। तो मेरे हिसाब नाल जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड जी। पूनम राजन आप कह रही है कि मेरी इनक्वायरी से इन्ना टाइम लाता जी, तो की मैं 6 महीने होर रख के मैं ज़्यादा कुछ कर लेंदा जी? इनक्वायरी दा काम सी SIT दा जी। SIT ने जिन्ना टाइम लाया उन्होंने लाया इनक्वायरी से। हुन SIT दे वक्रे वक्रे स्टेज रहे ने जी। सब तो पहला श्री कुंवर विजय प्रताप जड़े उदों IGC हुन MLA साहब ने, तो उन्होंने एक इनक्वायरी की सी क्योंकि जदों पटियाला जेल के दौरे पर गए सी जी, उदों पूनम राजन ने उन्होंने कंप्लेंट की जी। उस दे आधार पर उन्होंने जेड़े FIR की तफ्तीश कर रहे सी कि पटियाला जेल की FIR नंबर 3 जी, उसकी तफ्तीश के दौरान उन्होंने उस जोड़ लिया जी। तो उदे बारे सतीश चंद्रा साहब, क्योंकि मैं ये सारा इज़ ऑन रिकॉर्ड जिहड़ा मैनू डॉक्यूमेंट सप्लाई किए, जी रिपोर्ट की कॉपी है जिदे बेसिस से मेरे ऑब्जरवेशनस दिते गए ने मेरे बारे, उस सारा कुछ रिकॉर्डेड है जी। ये मैं सोच नहीं रहा,
मैं अपनी याददाश्त को कमज़ोर है या ताकतवर है, मैं कहना चाहूँगा कि जो भी है उस रिपोर्ट में PCA की रिपोर्ट, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट को पढ़ लेन, उससे सारा कुछ लिखा हुआ कि मैं सर इत्थे तुहानूं टोकांगा। जिस तरह तुसीं गल कही है कि तुहाडी यादाश्त ते और मैमरी ते है, मैनूं तां लगदा है भी चेयरमैन साहब दी यादाश्त कमज़ोर है कि वह आप ACS होम सीगे ते उहनां दे टाइम दे विच SIT बनी है और अज वो ये गल कह रहे ने कि जी तुसीं फैसला जल्दी करता, तो ये तो फिर मैनू लगता है भी जेडे पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के चेयरमैन है सतीश चंद्रा जी, उन्होंने यादाश्त से सवाल खड़े होंगे ने सर। रमनीक जी, मेरे ख्याल असी सारे सीनियर IAS अफसर रहने, मैं 36 साल IPS च रहा जी, सारे असी एक्सपीरियंसड हैं, मैच्योर हैं, तो यही गल सू एक दूजे के बारे करनी नहीं चाहिए है, इट्स इन बैड टेस्ट, बट द फैक्ट इज़ कि ये सारा कुछ उन्होंने रिपोर्ट च है, मेरी रिपोर्ट च नहीं जी, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी की जी रिपोर्ट बनी है उस से रिकॉर्डेड है जी, कि उदों दे ACS होम हुण उन्होंने नाम नहीं लिखिया पर उस वेले जदों SIT बनी है जी उदों सतीश चंद्र साहब ही ACS होम सी, तो पहले इनक्वायरी दे ऑर्डर इन्होंने आप मीटिंग च कीती है ते कुंवर विजय प्रताप नूं डायरेक्शन दिता गया कि इहदी इनक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कीती जाए। सर मैं विच टोक रहा, वो कंप्लेंट जिहड़ी सीगी जिथे तक मैनू अंदाजा है वो कंप्लेंट सी भी जेल दे अंदरों माफिया चल रहा एक बई एक्सटॉर्शन दा, और ये क्योंकि बहुत उस वेले रौला पै रहा सी भी जेलां दे विच गैंगस्टर बड़े ने और एक्सटॉर्शन दा रैकेट अंदरों चल रहा है, तो ये पूनम राजन किस तरीके उस कंप्लेंट दे विच एंटर हो गई या उस जदों इंस्पैक्शन करन गए ये किस तरह उत्थे पेश हो गई? मैनूं इन्ना ही पता है कि रिकॉर्डेड है कि जदों इन्वेस्टिगेशन केस की इन्वेस्टिगेशन वास्ते गए इन्होंने ऑडियंस मंगया जी, तो उहदी लीगैलिटी मैं ज़्यादा नहीं जावांगा, वो प्रोसीजरल इशूज़ ने जी, क्योंकि एग्जैक्टली वॉट हैपन चाहिए सी कुंवर विजय प्रताप उस रिपोर्ट नूं अपने DG उदों दे DG दिनकर गुप्ता साहब नूं देंदे, वह फैसला करते की इन्वेस्टिगेट करना जी, पर चलो मे बी एज IG प्रिजन उन्होंने ACS होम नूं कीता होना कि उन्होंने कोल प्रिजन का चार्ज है जी, तो दैट इज़ ओके, तो गां डायरेक्शन दिता गया कि ओही इन्वेस्टिगेट करनगे जी, जबकि शायद उस वेले वखरा परचा होंदा या देखदे इनक्वायरी करके फिर देखदे की करना चाहिए सी, बट दोज दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर, सैपरेट मैटर। मेन गल है कि सतीश चंद्रा साहब एज ACS होम इस इशू बारे डिस्कस कर चुके ने, फैसला कर चुके ने, डायरेक्शन दिते ने जी, तो वंस यू हैव एग्जामिन्ड मैटर यू कैनॉट बी अ जज इन द सेम मैटर जी, जिमें वकील होंगे ने हाई कोर्ट च किसी केस च, जे किसी क्लाइंट की केस सुनते हैं मुड़ के उस क्लाइंट द केस च एज जज उन्हें ही सुन सकते, हाँ बिल्कुल जी, सो यू कैनॉट बी अ जज। तो जिथे तक मैं पता है कि ये मसला शायद चेयरमैन साहब न सतीश चंद्रा साहब रिक्यूज करके किसी होर देना चाहिए सी, यू शुड नॉट हैव, दैट इज़ अ लीगल क्वेश्चन कि वह सुन सकते सी या नहीं। दूजी गल है मैनू जेड़े भी ऑब्जरवेशन किए मेरे बारे, मैनू किसी का फोन भी नहीं आया, कॉल भी नहीं आया, मैंने पूछा भी नहीं गया जी, हूँ तुम किसी को फांसी भी लगा दो, एक मौका तो देते हो जी, भाई ऑब्जरवेशन कर रहे हो, मैनू क्वेश्चनर भेज देंगे जो मैंने बुलाना नहीं सी, तो किसी तरीके नाल मैनू कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया गया, तो मेरे बारे एक ऑब्जरवेशन हो जाए तो मैं इदा क्लैरिफिकेशन मंग रहा है विच इज़ अगेंस्ट नैचुरल जस्टिस जी। तीजी गल है इस मसले बारे कोर्ट जिहड़ा लोअर कोर्ट है फैसला सुना चुकी है जी, जो एक जुडिशल कोर्ट एक मसले बारे फैसला सुना दे उदा रिकोर्स नैक्सट रिकोर्स इज अपील इन द हाई कोर्ट राइट और सुप्रीम कोर्ट और इन द हाई कोर्ट, तुसी एक क्वाजी जुडिशल बॉडी कुल जाके नहीं कर सकते, तो आई थिंक दे हैव क्रॉस देयर जुरिसडिक्शन, ये भी जुरिसडिक्शन का इशू आंदा है, नैचुरल जस्टिस का इशू आंदा है, वेदर ही शुड हैव हर्ड इट या रिक्यूज करना, बड़े इशूज आते हैं। बाकी तुसी क्या समरपाल बारे जो आप वेखिए पूनम राज जी कंप्लेनेंट है उन्हें हर थान पर ये जी दी गई है रिपोर्ट उस हर थान पर पूनम राजन कहती है समरपाल अक्यूज्ड, समरपाल के खिलाफ कार्रवाई करो, समरपाल
तो जे आशीष कपूर, मैंने नहीं पता आशीष कपूर ने की किया, दैट्स फॉर द एसआईटी टू सी और एनीबॉडी एल्स टू सी, पर इफ आशीष कपूर इज अक्यूज्ड, समरपाल इज आल्सो अक्यूज्ड एज पर द कंप्लेनेंट पूनम महाजन। मैं नहीं कह रहा जी, ये पूनम महाजन कह रही है। वह 161 का बयान बिफोर द डीएसपी, 164 का बयान बिफोर द मैजिस्ट्रेट। अच्छा, जदों एक मैं इत्थे टोकांगा सर कि जदों 164 के बयान कोर्ट के विच हो गए, जज साहब के सामने हो गए, तो उस तो बाद पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी कोई अथॉरिटी है नहीं, कोई लीगल एक्शन ले ही नहीं सकती, लीगैलिटी नहीं बची। तो इस विच मैं सीधे तौर पर कह रहा कि इहदे विच जिहड़ी पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी है, बिल्कुल ठीक गल कह रहे हैं कि वह अपनी जुडिक्शन ही पार कर गई। और जिस तरह आप गल करिए भी कोई बंदा रेस ला रहा उहदे विच स्टेडियम दे विच भजदा भजदा स्टेडियम चो बाहर ही भज गया, और इन्होंने आ काम किया जी सर। लीगली जी गल है कि जो आप पूनम राजन की स्टेटमेंट को सही मानते हैं जी, मैं नहीं कह रहा सही सी गल सी, मैं कह रहा जे आप सही मानते हैं जी, तो 161 का बयान, 164 का बयान आशीष कपूर के खिलाफ प्लस समरपाल, क्योंकि हर वेले जेड़ा कहा जाता है थाने से जो भी टॉर्चर होया एक्सटॉर्शन हो, उस वेले पूनम राजन प्लस वो सारी फैमिली कह रही है कि समरपाल नाल सी। बिल्कुल, तो फिर समरपाल ये बारे पूछा गया, समरपाल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होंगी, ना विजिलेंस ब्यूरो एक्यूज करता है, ना पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी वो खिलाफ़ कोई ऑब्जर्वेशन दे रही है कि वो खिलाफ़ कार्रवाई की जाए, ना उन्होंने एग्जामिन कर रही है। तो ये बेसिकली पिक एंड चूज होया, क्योंकि मैं दसंगा इस एक लॉ ऑफिसर सी जेडे अटैच सी इस एस आई टी नाल, मैं उन्होंने नाम ला ही दिना सर, जेडे वो सी रीना दुआ। एक्चुअली पांच बंदियां दी बनी सी एस आई टी दे विच चार मैंबर सी, ते पंजवें मैंबर रीना दुआ जी नू ऑप्ट किया गया सी ताकि वो लीगल सारी कार्रवाई देख सकन, क्योंकि रिपोर्ट जदों सबमिट हुंदी है एस आई टी दी ते लीगली वो चैक हुंदी है एक बारी, ते इस करके उन्होंने एज मैंबर लीगल असी कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज दे विच भी लीगली लीगल मैटर्स नू भी क्या प्रोसीजर ठीक फॉलो हो रहा है, रिपोर्ट ठीक बन रही है, उस वास्ते उन्होंने पाया गया सी जी। सो बेसिकली सतीश चंद्र जी बहुत एक्सपीरियंस है, पर उन्हां दी एडमिनिस्ट्रेशन च है इन्वेस्टिगेशन एंड लॉ थोड़ा जा वखरा है, तो जे नहीं सर मैं इत्थे टोकांगा, थोड़ा जा नहीं बिल्कुल ही वखरा है। आईएएस अफसर दा नू कुछ नहीं पता कि एक थाने दा एसएचओ या डीएसपी या एसएसपी या डीजीपी की इन्वेस्टिगेट कर रहा है, किवें तुसी लोकी इंटेलिजेंस गैदर करते हो, किवें तुसी सारा प्रोसैस करते हो, एसीएस आईएएस नू नहीं पता हो सकता भी पुलिस थल्ले तो लैके उपर डीजीपी लैवल तक किवें ओपरेट करती है जी। तो समरपाल या तो एकम्पलिस है, एक्यूज्ड है एज पर द स्टेटमेंट ऑफ पूनम राजन, पूनम राजन जी, या फिर वो इनोसेंट है, फिर आशीष कपूर भी इनोसेंट है जी। तो तुसी ओनू एक पासे समरपाल नू एज विटनेस कर रहे हो, एक्यूज नू विटनेस बनाने का तरीके कोई अप्रूवर बनाता जी, ओदे वास्ते ही हैज टू बी अरेस्टेड जी एंड केप्ट इन कस्टडी टिल द सैटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट और कंप्लीशन ऑफ द ट्रायल। हुण तुसी दो गल्लां नहीं कर सकते हो, एक पासे एक उन्होंने एक्यूज्ड एट विल, तुसी नहीं, यू आर नॉट द कोर्ट, यू कैन नॉट डिसाइड, लॉ इज़ वेरी क्लीयर, इस बारे कानून बड़ा स्पष्ट है जी, कि या तो तुसी इनू एक्यूज मानो सारिया नू जिहड़ी कंप्लेनेंट कह रही है, बार बार कह रही है, बयान दे रही है, तुसी पिक एंड चूज नहीं कर सकते जी, या तो उस हिसाब नाल चलो या दोनों नू छड्ड दो। बिल्कुल ठीक, एनीवे दीज आर टेक्निकल इशूज। इत्थे मेरा एक होर सवाल है तुहानू कि आशीष कपूर के नाल कुछ होर बंदे भी अक्यूज बनाए गए ने जी, ठीक है जी, और उन्हों का नाम भी पूनम राजन ने ही लिया, तो समरपाल का नाम भी पूनम राजन ने लिया। 164 और 161 के बयान विच समरपाल का नाम है, हुण समरपाल नाल किदा प्यार इन्ना जाग गया है कि वह समरपाल नू बचाने की कोशिश कर रहे ने, और जिहड़ी सारी कसूर है वह तुहाडे ते और एस आई टी दे सीनियर मैंबरस ते, जिहड़े एक हुण तक है डी जी पी ने वह चौहान साहब और विभू राज अडिशनल डी जी पी है, मैनू तो यह लग रहा भी एक डी एस पी नू बचाने लिए सारे ते चिक्कड़ उछालिया जा रहा है, तुहाडा की कहना सर इस? मेरे ख्याल सतीश चंद्र जी नू मिसगाइड किया गया, मिसकनसैप्शन उन्हों, क्योंकि जदों एस आई टी बनी सी उदों ए सी एस होम सी जी, जे उन्हों लग रहा है भी नहीं कुंवर विजय प्रताप नू
पाया जाना चाहिए सी वो एस आई टी पा दें जे उन्होंने लगता है कि कुंवर विजय प्रताप ने इन्वेस्टिगेशन दौरान कोई यहोजे फैक्ट्स लभे हैं जेडे एस आई टी को होने चाहिए ने डायरेक्शन कर सकते सी जी हूँ इदा का कुछ है नहीं तो ही हैड फुल अथॉरिटी एंड लिबर्टी टू डू दैट ही हैज़ नॉट डन इट जी उदो एस आई टी वॉज मेड टू द सैटिस्फैक्शन ऑफ पूनम राजन जी एंड ए सी एस होम ordered by the then DGP Shri Dinkar Gupta hun inne der baad sade retire hon te inne der baad us to baad ek hor DG saab aaye ohna nu koi complaint nahi mere kol Poonam Rajan da koi complaint nahi agle DG kol koi complaint nahi hun achanak inne 10 mahine baad 11 mahine baad saal hi ho gaya samjho ji hun achanak ek complaint aandi hai जिस च इन्ने सारे सवाल खड़े होंगे ने सो एनीवे आई थिंक मैं सर इत्थे तुहानू रोकांगा तुसीं बिल्कुल ठीक गल कही कि चट्टोपाध्याय साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जे पूनम राजन नू इस एस आई टी की रिपोर्ट उपर कोई इतराज़ हुंदा ते चट्टोपाध्याय साहब कोल आ सकती सी चलो ये तो थोड़े दिन रहे उस तो बाद दूसरे डी जी आ गए ठीक है वो बावरा साहब कोल जा सकती सी बावरा साहब तो बाद फिर ये नवे डी जी आ गए गौरव यादव इन्हां कोल जा सकती सी कह सकती सी जी अपना इतराज़ दर्ज करा सकती सी नहीं तो कोर्ट के विच जा सकती सी पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी कोल तो कोई अथॉरिटी है ही नहीं जदों एक बारी मसला कोर्ट के विच चला गया लोअर कोर्ट का मसला हाई कोर्ट चैलेंज होना है हाई कोर्ट का मसला सुप्रीम कोर्ट चैलेंज होना है तो यह लगता है भी ये सारा कुछ जिहड़ा हैगा ये समरपाल नूं बचाण की कोशिश हो रही है तो बाकी सारे अफसर से किचड़ उछालन की कोशिश हो रही है जी सर मैं तो इदा ही कह कि मेरा तो बड़ा लिमिटेड जहा ही रोल सी मैं तो एक एस आई टी जिस उदो जे ए डी जी बी ओ आई के सी इंचार्ज डायरेक्टर बी ओ आई उस तो सीनियर अफसर सी श्री चौहान साहब एस आई टी जे हैड सी ही वॉज सीनियर दैन एंड स्टिल इज सीनियर टू द प्रीवियस डायरैक्टर बी ओ आई एंड न्यू डायरैक्टर बी ओ आई उदो डायरैक्टर बी ओ आई छुट्टी से चले गए कुछ कारण करके आई जी ने फाइल एग्जामिन करके दिता है जी मैं उन्हों री इन्वेस्टिगेट नहीं करा सकता सी कोर्ट से लीगली डायरेक्शंस नहीं यू कैन नॉट री इन्वेस्टिगेट अनलेस द कोर्ट सो डिजायर्स यस आई हैड नो कॉज टू री इन्वेस्टिगेट मेरे को कुछ नहीं सी तो ये सारा मसला हैज बीन डिस्टॉर्टेड जी एनीवे मैं अपना जवाब देता है जी मैं पूरी उम्मीद है सरकार इनू मैच्योर तरीके नाल ढंग नाल करेगी तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जेडे मीडिया च ने भावें सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया या साडे भरा जिथे भी है एक मैच्योरिटी नाल चीज़ नू डील करन क्योंकि दीज आर वेरी सीरीयस मैटर्स या मैटर्स ऑफ लॉ जी तो किसी अफसर बारे या किसी बारे गल करन तो पहला सोच लेन देख लेन जिन्नियां रिपोर्टां आईयां ने चाहे अखबार च छपियां या सोशल मीडिया ते चलियां एक वीडियो बारे डिस्कशन हो रही है जी वीडियो जिहड़ी हैगी है वो दिखाई गई है कुछ पत्रकारों को तो उन्होंने कहा जी असी वो वीडियो देखी है जिदे विच ए आई जी आशीष कपूर पूनम राजन कुट रहा हुण सब तो वड्डा सवाल है भी जे वह सिलेक्टेड पत्रकारों क्यों दिखाई गई है की इंट्रस्ट है पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का उन्होंने दिखाने का दूसरी गल ये है कि जे वो शूट की गई है तो यदा मतलब यह है भी जो बंदे ने शूट की बराबर का क्रिमिनल है जे आशीष कपूर दे नाल वो बराबर का जिम्मेवार है क्राइम दे विच उनू क्यों नहीं फड़िया गया और पूनम राजन ने जगह जगह गल कही है जी वो वीडियो समरपाल ने शूट की है तुहाडा इहदे बारे की कहना सर इस वीडियो दी ओथेंटिसिटी आपां कोई वीडियो नू कंसीडर ही नहीं कर सकते जदों तक ना इंडियन एविडेंस एक्ट जी तहत 65B जी दे तहत जदों तक ਉਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਓਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕੀ ਹੈ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਪੂਨਮ ਰਾਜਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਮਰਪਾਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਸਮਰਪਾਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਸਮਰਪਾਲ ਇਜ਼ ਕਨਫਰਮਡ ਐਜ਼ ਐਨ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਜੀ ਸੋ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਅ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਲੋਅ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੀ ਇਜ਼ ਬੀਨ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣ ਜਾ ਰਿਹਾ
एक तुहाडी ड्रग्स के उपर रिपोर्ट पेंडिंग पई है हाई कोर्ट के पिछले 5 सालों तो, और ड्रग के हालात बद तो बदतर हो गए ने पंजाब दे विच, लेकिन हाई कोर्ट के जजा ने वो फाइल खोली नहीं। और जो तुसी वो रिपोर्ट दिती सी ते बहुत रौला पिया सी भी कुछ सीनियर अफसर के नाम ने उहदे विच, तुहाडा इहदे बारे की कहना सर? मोंगिया साहब, मैनू डिप्यूट किया गया सी हाई कोर्ट वालों जी, आई वॉज मेड हैड ऑफ द SIT, दो मैंबर होर सी जी, कुंवर विजय प्रताप ते प्रबोध कुमार साहब। तो असी अपनी रिपोर्ट, अपना काम, अपना ड्यूटी पूरा करके हाई कोर्ट से सील लिफाफे सबमिट किए ने जी। तो इस गल नूं करीब करीब 5 साल होण नूं आ रहे ने जी, तो हाई कोर्ट च पिया तो हाई कोर्ट ने देखना है की करना। मैं तो हुण रिटायर हो गया जी, तो हाई कोर्ट ने एग्जामिन करना है, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड जी। इन्ने बच्चे साढ़े इफेक्ट हो रहे ने, एन एंटायर जनरेशन इज बीइंग डिस्ट्रॉयड। तो आई एम श्योर देर आर पीपल इन जुडिशरी हु विल लुक इन टू द मैटर एंड इन गवर्नमेंट ऑल्सो। मैं उम्मीद है कि करना लॉन्ग पीरियड। मैं उही कह रहा ना जी कि जे 5 साल च जे जजा की सब तो वड्डी तो सवाल अज जुडिशरी ते उठ रहे ने कि जजेस दी इन्ने जजेस आए इन्ने जजेस चले गए, उन्होंने उपर सवाल उठ रहा जजा के उपर भी उन्होंने की मजबूरी है, वो क्यों नहीं खोल रहे फाइल? अज सब तो वड्डा सवाल यह है कि जिहड़ी सरदार चट्टोपाध्याय की रिपोर्ट है, बाकी रिपोर्टां भी ने, एक निरंजन सिंह की रिपोर्ट है, एक हरप्रीत सिद्धू की रिपोर्ट है, ये रिपोर्टां के उपर क्यों एक्शन नहीं लै रही हाई कोर्ट? और वैसे सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा सीरीयस है कि जी ड्रग इन्ना विक रहा पंजाब दे विच और ड्रग ते नत्त पाई जावे, पर हाई कोर्ट दे जजेस उस ते कोई एक्शन लै नहीं रहे, की मजबूरियां ने? ये सब तो वड्डा अज सवाल है लोगों के मना दे विच जी। मैं सर एक गल इस जोड़ना चाहूँगा, देखो हाई कोर्ट की करती है, मेन गल है कि ड्रग्स बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये यूथ नूं या जो भी लैंदा उहनूं खत्म कर देंदी है जी। पर लालच इन्ना है क्योंकि इस चे पैसा बहुत ज़्यादा है जी, ते वो पैसा कटिंग अक्रॉस ऑल सैक्शनस ऑफ सोसाइटी, भावें पोलिटिशन होए टॉप मोस्ट सीनियर मोस्ट, जुडिशल अफसर होए, पुलिस अफसर होए, ब्यूरोक्रैट होए, मीडिया हाउस होए, ये सारिया नू पैसा लालच टेम्पटेशन खरीद लेंदी है। ते जे इस चे नथ नहीं पाया गया, क्योंकि इहदे नाल क्राइम करप्शन जी माफिया सारा कुछ, मैं एज DGP कह सी नारको टेररिज्म जी गल की थी जब ब्लास्ट हुए सी जी, इट इज़ लिंक टू नारको टेररिज्म जी। तो कुछ साढ़े विपक्षी एनमी जो देश ने उन्होंने भी इंटरेस्ट है जी कि पंजाब बॉर्डर स्टेट होन करके, इट्स अ वेरी सेंसिटिव मैटर जी, लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो 5 साल इज़ अ वेरी लोंग पीरियड, वी कैनॉट लेट आर जनरेशन आर यूथ बी डिस्ट्रॉयड। एंड बहुत चंद कम ही अफसर होंगे या जुडिशल अफसर होंगे या पोलिटिशन होंगे जेडे ये खिलाफ लड़नगे या हिम्मत करनगे, क्योंकि माफिया बड़ा खतरनाक है जी। डिटेल्स तो साढ़े रिपोर्टा च है, इस चे माफिया क्रिमिनल्स बहुत खतरनाक है जी। सो जो कोई हिम्मत करके रिपोर्ट दे रहा, एक्शन हैज़ बी टेकन इमीजिएटली, नहीं तो फिर वी विल बिकम अनदर बनाना रिपब्लिक जी। चट्टोपाध्याय साहब, इहदे विच जिवें ड्रग दे उपर है, हुण तां तुसीं रिटायर हो गए हो, तुहाडा की एनालिसिस है भी किन्ने हज़ार करोड़ का ये बिजनेस हैगा पंजाब दे विच? क्योंकि तुसीं DG रहे हो और पुलिस च रहे हो, हुण ही रिटायर होए हो, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे हिसाब नाल, एक वैबसाइट दे हिसाब नाल 1,40,000 करोड़ का बिजनेस है, उस चों मेजर चंक पंजाब दा है, ते पंजाब दे विच तकरीबन 30 to 40,000 करोड़ का धंधा है कल्ला ड्रग्स का, जिहड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मान रही है भी 20 to 30% का शेयर जिहड़ा हैगा उह पंजाब दा है, ते ये ऑफिशियली मान रहे, लेकिन अनऑफिशियली मेरे हिसाब नाल 50,000 तो लैके 1,00,000 करोड़ का बिजनेस होएगा, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा है। तुहाडा इहदे बारे की कहना है? तुसीं जिहड़ी गल कर रहे हो ठीक कर रहे हो, क्योंकि मैं भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिहड़े NCB नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की रिपोर्ट पढ़ी सी जी, उधर ने कहा जी 2-3 साल पहले की गल है कि 40,000 करोड़ का साल का टर्नओवर है जी पंजाब च जी। तो जो वो कह रहे हैं NCB उन्होंने काम ही फुल टाइम काम है, तो नैचुरली इस दम है। तो जो आप सीजर वेखीए कि वे वे सीजर हुए सी जी, भावें अटारी च होए या मुंद्रा पोर्ट च होए ने, कांडला च होए ने, तो
ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਚੱਟੋਪਾਧਿਆ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਓ ਆਈ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਫਾਈਲ, ਕਿਉਂ ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬੀ ਓ ਆਈ ਤੋਂ ਵੈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਚੱਟੋਪਾਧਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਉਹ ਬੀ ਓ ਆਈ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਔਰ ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਬੀ ਓ ਆਈ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੀ ਓ ਆਈ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਨਮ ਰਾਜਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 164 ਦੇ 161 ਦੇ ਕਿ ਏ ਆਈ ਜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਔਰ ਸਮਰਪਾਲ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਪਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਮਰਪਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿਵੇਂ? ਫਿਰ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਵਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ? ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਕੀ ਐੱਫ ਐੱਸ ਐੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਨੇ? ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਏ ਆਈ ਜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਮਰਪਾਲ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਅਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਡਿਅੰਤਰ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿਧਾਰਥ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਮਰਪਾਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕੀ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ।